जी जनाब, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? यहाँ भी सब ठीक ठाक, A1 फर्स्ट क्लास थे, टिप टॉप। ऐसा है जी के आज डेट है 30 दिसंबर, यानी कि 2020 का जो साल है वो एंड हो रहा है। मैंने सोचा यार के साल 2020 में मैंने अपना एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो ड्रीम था वो पूरा किया है, उसको थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं अपना बिशाम में। ये एक होटल है जिसका व्यू है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जस्ट लुक एट दैट, ये व्यू मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुकते हैं। सफ़र हमने शुरू करना होता है सुबह 5 बजे और हम लोग हमेशा की तरह सफ़र शुरू करते हैं शाम को 7 बजे, यानी मिनिमम 10 घंटे का गैप होता है। बस थोड़ी देर तक निकलते हैं और शाम को हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है वो हुंजा पहुँच जाएँ और बाकी सारा जो टाइम है वो हम हुंजा में गुजारें। बिशाम से थोड़ी ही दूर कराक्रम हाईवे पर इस खूबसूरत आबशार ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। Isn't it gorgeous? Yes, it is. वैसे कराक्रम हाईवे पर ऐसे बहुत से खूबसूरत मनाजिर आपको रुकने पर मजबूर करेंगे कि यार एक तस्वीर तो बनती है या फिर एक टिकटॉक तो जरूर बनती है। रात को तकरीबन हम सुबह चार बजे यहाँ से राकापोशी व्यू पॉइंट होटल जो है वो क्रॉस कर रहे थे तो मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया, हम इधर ही रुके। फिर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राकापोशी बेस्ट 2 होटल में। यहाँ से आधा घंटा पौने घंटे का हुंजा के लिए सफ़र है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंशाल्लाह आपसे हुंजा में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है और 35 मिनट में हम कर लेंगे, उम्मीद है। लिविंग फॉर हुंजा नाउ, लेट्स मूव ऑन। साल 2020, क्या खोया क्या पाया। वैसे हकायक को मद्देनज़र रख के बात की जाए तो मुल्कों की मईशत से लेके लोगों के प्यारों तक को ये कोरोना नाम का 19वां जिन निगल गया। तो प्रैक्टिकली बहुत कम पाया, बहुत कुछ खोया। वो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल सही कहते हैं।
क्योंकि एक मिनट पहले मैं जगह के बारे में बता दूं, मैं इस वक्त बैठा हुआ हूं हुंजा में और नेकेड आई से इस वक्त जो मैं देख रहा हूं ना राकापोशी को अपने बिल्कुल सामने, वो मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, उसके लिए आपको यहां पर होना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक की तरफ आते हैं, चूँकि व्लॉग जो है वो मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और सर्दी का अंदाज़ा आपको यहाँ से हो जाएगा। इधर आओ, अपनी जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं ना, अगर उनको मैं मद्देनज़र रखूं तो मेरे ख़्याल से इंसान के पास उसकी ज़िंदगी में होने वाले किसी भी फ़ैसले को, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बहुत ज़बरदस्त सा इंग्लिश का कोट है, मैं इसी किस्म की जो चीज़ें हैं उनको देख के इंस्पिरेशन हासिल करता हूँ और उन्हीं को देख के मेरी ज़िंदगी में मोटिवेशन आती है। कोट ये कहता है कि ऑल यू कैन डू इज़ ऑल यू कैन डू, ऑल यू कैन डू इज़ इनफ, बट मेक श्योर व्हाट यू डू इज़ ऑल यू कैन डू। आप सिर्फ ये करने की कोशिश करें जो आपके बस में है। हो सकता है कि जो आपकी मंजिल है वो दो या तीन कदम की दूरी पर हो सकता है चार कदम की दूरी पर हो, लेकिन अल्टीमेटली यू विल बी ऑन योर डेस्टिनेशन। चाय मैं बना लूँ, उसके बाद मेरा ख्याल है इतना ही टाइम रहता है कि चाय बनानी है और इंशाल्लाह जो न्यू ईयर है वो स्टार्ट हो जाएगा। चाय भी बन गई है और न्यू ईयर का टाइम शुरू होने वाला है और इसी के साथ साथ यस नाउ हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2021। साल 2020 ख़त्म हो चुका है और साल 2021 का पहला मिनट शुरू हो चुका है। दुआ करता हूँ पाक परवरदिगार से कि पहले मिनट से लेके आखिरी सेकंड तक अपनी जो रहमत है और बरकत है उसका जो साया है वो मुझ पर और आप पर कायम रखे। और व्लॉग जो है वो मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, अभी हम नीचे चलते हैं और नीचे जा के देखते हैं कि हुंजा के लोग जो न्यू ईयर है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इट्स माई फर्स्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन हुंजा, सो लेट्स गो एंड विजिट दैट। हुंजा की दिल फरेब ठंड, ये खूबसूरत माहौल राकापोशी, नए साल का इससे खूबसूरत आगाज़ शायद और कोई नहीं हो सकता। नेक उम्मीदों के साथ खुश रहें, आबाद रहें। फी अमानिल्ला। राइडिंग ओवर लैंड साइनिंग ऑफ।